दोस्त कौन कहता है कि स्टूडेंट को नींद नहीं आती। अरे नींद तो इन्हें भी आती है, इनका भी मन होता है कि थोड़ा आराम कर लें। लेकिन फिर भी आप मुखर्जी नगर, कोटा या पटना के उन गलियों में जाकर देखोगे ना, उनके छत के ऊपर से अगर रात में जाकर देखोगे ना, तो पता है कई आपको ऐसे रूम दिखेंगे जिनकी लाइट देर रात रात तक ऑन ही रहता है। दोस्त शौक नहीं है इन स्टूडेंट को जगराता करने का, सच तो ये है इनके सपने इन्हें सोने नहीं देते। क्योंकि यार ये लोग भी अपने घर की हालात को अच्छी तरह समझते हैं, ये लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके नौकरी लेकर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, माँ बाप की उस उम्मीद पर खड़ा होना चाहते हैं। पापा की मजदूरी और माँ का चिंता स्टूडेंट का लाइट बंद नहीं होने देता है। मेरे दोस्त जब भी इन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना, तो पता है लोग तो आंख बंद करके सपने देखते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट बिस्तर पर लेटकर खुले आंखों से सपने देखने लगते हैं। और उस सपने में होता है पिता की मजदूरी और माँ का प्यार। और इन सपनों में ना चाहते हुए भी पूरी दिन का कैलकुलेशन चलने लगता है कि आज इतना खर्च हुआ, रूम रेंट भी देना है। और यह सोचने लगता है कि ये जो आज खर्च है ना, ये मेरे पिताजी के पूरे दिन का खर्चा हो जाता है, पता नहीं ये कैसे मैनेज करते होंगे। और यही सब सोच सोच कर इनके कमरे में देर रात रात तक लाइटें बंद नहीं होती और इन्हें पढ़ाई करने पर मजबूर कर देता है। ये होता है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का स्ट्रगल, जिसे ना तो कोई बताता है और ना ही ये किसी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं अंत में सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त जिसने भी अपनी रातों से जंग जीती है ना, वही एक दिन सूर्य बनकर चमकता है।